नगर निगम की रिमूवल गैंग द्वारा बड़ा गणपति क्षेत्र में कांग्रेसियों द्वारा लगाए गए बैनर होर्डिंग हटाए जाने को लेकर कांग्रेसी नेता सड़क पर आ गए और निगम के अमले से विवाद किया। 27 जुलाई को कांग्रेस सेवा दल द्वारा एक पैदल मार्च राजबाड़ा से गांधी भवन तक निकाला जाना है, जिसके प्रचार प्रसार के लिए सेवा के कार्यकर्ताओं ने बड़ा गणपति क्षेत्र में होर्डिंग लगाए थे। बिना अनुमति के लगाए गए होर्डिंग्स को जब निगम का रिमूवल अमला निकालने पहुंचा तो सेवा दल के मुकेश यादव और अन्य कार्यकर्ताओं ने की जा रही कार्रवाई का विरोध किया। विरोध शुरू होता तब तक अमले ने कई होर्डिंग्स बैनर निकाल दिए थे। निगम की इस कार्रवाई से नाराज नेताओं ने निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और कुछ देर के लिए यातायात को रोक दिया। विवाद बढ़ता देख सहायक रिमूवल अधिकारी वीरेंद्र उपाध्याय और बबलू कल्याणे ने नेता और कार्यकर्ताओं से चर्चा कर मामले को शांत किया। सहायक रिमूवल अधिकारी वीरेंद्र उपाध्याय ने बताया कि आपसी सहमति से मामला शांत हो गया है, किसी तरह का विवाद नहीं हुआ। ये कार्रवाई चल रही थी, उसमें कुछ लोगों द्वारा नगर निगम की गाड़ी रोक ली थी, उनसे बातचीत हुई, सौहार्दपूर्ण में बातचीत हो गई और निकाल दिए। वहीं सेवा दल के मुकेश यादव ने आरोप लगाया कि नगर निगम के अधिकारी भाजपा का एजेंट बनकर काम कर रहे हैं, जिनकी शिकायत मुख्यमंत्री कमलनाथ से की जाएगी। कांग्रेस सेवा दल द्वारा 27 तारीख को एक बड़ा पैदल मार्च राजबाड़े से कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन तक निकाला जा रहा है, उसके निमंत्रण के लिए होर्डिंग लगाए हैं। नगर निगम भेदभावपूर्ण तरीके से महेंद्र सिंह जी जो हैं वो बीजेपी की मानसिकता अभी तक छोड़ नहीं पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और कांग्रेस के जो होर्डिंग लगे थे उन्हें चुन चुन कर हेड रहे हैं। और बाकी दो नंबर विधानसभा में आप बीजेपी के होर्डिंग लगे हुए आप जाके देख सकते हैं, तीन नंबर विधानसभा में देख सकते हैं, लेकिन उन्होंने न जाने क्या कांग्रेस से एलर्जी है। हम माननीय कमलनाथ जी से उनकी शिकायत करेंगे कि जो बीजेपी के रूप में बीजेपी के एजेंट के रूप में जो महेंद्र सिंह जी काम कर रहे हैं इन्हें हटाया जाए। इनकी तानापूर्ण जो रवैया है इसके खिलाफ आज हमने बड़ा यहाँ कार्यक्रम करा था और हम जल्दी भोपाल में जाके मिलेंगे कमलनाथ जी से और इनका हटाने की मांग करेंगे। विवाद होने के बाद नगर निगम का अमला आधी अधूरी कार्रवाई कर लौट आया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बांड न्यूज।